करते जो कौन रोगटा कि व्हाट इज द इंसेक्ट और व्हाट इज द डिजीज है तो नोइंग द सिम्टम इज वेरी गुड को इनसेक्ट खाइले केमिति सिम्टम आसुची दैट इज वेरी गुड बहुत सारे डिजीज का सिम्टम तो सेम रहता है तो फिर आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे कि कौन सा किसका है जहाँ पे डिजीज सेम रहता है यू विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड वैसे देयर विल बी सम माइनर डिफरेंसेस इन द सिम्टम्स बट स्टिल दूर से देखिए पता नहीं चलेगा कि दिस इज द सेम सिम्टम और थोड़ा डिफरेंस है दूर से पता नहीं चलेगा इन दैट केस यू विल स्टेप यू विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड यू हैव टू गो एंड एनालाइज द डिजीज सैंपल और उसको जाके एनालाइज करना पड़ेगा अगर मान लो एक कोई डिजीज है जिसमें सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स है देन यू हैव टू गो एंड फिजिकली वेरीफाई दूर से देख के नहीं बता पाएगा ठीक है सिम्टम्स सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और सिम्टम्स के लिए वो दिया जाए बिकॉज ऑफ फीडिंग ऑफ द इंसेक्ट फीडिंग से मैंने कैसे करते By either chewing or biting type of mouthparts or piercing and sucking type of mouthparts. More from your mouth, just the biting and chewing type of mouthparts they will form a different sort of symptoms. Just the piercing and sucking type of mouthparts they will form a different form of symptoms, different type of symptoms. Mujhe ye jinsa da kaun pahe pahunchi? तुमको डायरेक्ट में इंसेक्ट को स्टार्ट करे पड़ता है राइज राइज इंसेक्ट बट व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन एटा पूछो व्हाई आई एम क्लासिफाइंग दिस इंसेक्ट बेस्ड ऑन दिस माउथ पार्ट कारण एई कोर्स रे यू विल बी डीलिंग विद ऑलमोस्ट 300 300 टा इंसेक्ट तुम एई कोर्स रे पढ़ो जदि इंडिविजुअली गोटे गोटे इंसेक्ट तुम मन रखा को चेष्टा करबो इम्पॉसिबल यू हैव टू कैटेगराइज हेलो ये आपको कैटेगराइज दो इंसेक्ट्स जितने माने गोटे क्रॉप है गोटे क्रॉप तो मैं आगे कैटेगराइज कर देला को इंसेक्ट अच्छा च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप को इंसेक्ट अच्छा पियर्सिंग एंड सकिंग हेलो तो च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप रो जितने इंसेक्ट अच्छा समस्त कर सिम्टम्स मोर ऑर लेस सिमिलर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप रो जितने इंसेक्ट अच्छा समस्त कर सिम्टम्स मोर ऑर लेस सिमिलर नाउ दिस कैटेगराइजिंग विल हेल्प Once you learn to categorize this thing, this won't you be the easiest. कारण जोने तो मैं categorize कर दलो, नहीं देगी पांच छह तक तो मेरा total category पड़े ऐसे. At such, there are 300 insects. तो जोने तो मैं categorize कर दलो, तो हमारा पांच तक की छह तक category पड़े ऐसे. पांच तक छह तक category तो जोने common point पर आ कर दलो. आउ तो मैं exam रे खाली से ही छह तक, किच्छ ना पढ़ के गलो, खाली से ही छह तक category पढ़ के गलो. You will score more than 300. तुम सेक्शन में कितने पिला अच्छे तुम क्लास थर्ड ईयर कंटेंस हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंटायर थर्ड ईयर